Now, advantages of land. First, sharing expensive resources. ठीक है, अब लैंड हम यूज कर रहे हैं, एक्सपेंसिव शेयर. अब ज़रूरी है कि आप हर कंप्यूटर के लिए हम अलग से एक प्रिंटर खरीदें, एक स्कैनर खरीदें, तो लैंड के थ्रू हमें एक ही बिल्डिंग में अपने रिसोर्स को, एक्सपेंसिव रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज इज शेयरिंग ऑफ एक्सपेंसिव रिसोर्सेज. दैन नेक्स्ट वन, इट इम्पोज प्रोडक्टिविटी. अब आप किसी ऑफिस में, एक बिल्डिंग में, किसी भी लैब में, हम जब लैंड यूज कर रहे हैं, ठीक है, एंटरप्राइजेस के थ्रू हम जब लैंड यूज कर रहे हैं, तो कोई भी बंदा अपनी जगह से बैठे बैठे नेक्स्ट से नेटवर्क के थ्रू कोई भी डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसका टाइम कंज्यूम होगा. ठीक है ना, तो इट इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी. जब टाइम बचेगा, आपका मैन पावर बचेगा, इलेक्ट्रिसिटीज, बाकी का रिसोर्सेज का हम शेयरिंग को शेयर करेंगे, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, है ना, इट इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट टॉपिक इज हाई ट्रांसमिशन रेट. इसकी जो लैन होता है, अब जब लोकल में एरिया में होगा, तो जाहिर है डेटा ट्रांसमिशन रेट जो होगी वो हाई होगी. तो यहाँ पर अप टू हम ले सकते हैं कि 100 Mbps डेटा ट्रांसमिशन रेट होती है इसकी. ना एरर रेट इज लेस, लोकल एरिया में है तो कोई ज़्यादा एरर होना नहीं है उसमें. हम अच्छी चीज, अच्छे नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, अच्छा सब चीज़ यूज़ कर रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं, तो एरर रेट क्या होती है आपकी, लेस होती है. सिक्योरिटी बढ़ती है, इट प्रोवाइड्स मच सिक्योरिटी. ठीक है, अब एक सिंपल लैब है, एक बिल्डिंग है, कैंपस है, तो हम उसमें क्या करते हैं, मच सिक्योरिटी. पासवर्ड वगैरह आप एक मेन हब, जो फाइल सर्वर आपका होता है, जो सर्वर होता है, उसमें आप कोई भी सिक्योरिटी पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, है ना. देन नेक्स्ट, लैंड प्रोवाइड्स कॉस्ट इफेक्टिव मल्टी यूजर कंप्यूटर एनवायरनमेंट. ये क्या करता है, कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट पे इफेक्ट करता है. देन हम इसको हेल्दी एनवायरनमेंट के थ्रू यूज कर सकते हैं. इट इज सपोर्ट स्टार बस रिंग टोपोलॉजी. अब आप कहेंगे टोपोलॉजी क्या होती है, टोपोलॉजी मीन्स जो हम लैंड जब सपोर्ट कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, उसका ज्योग्राफी कैसी होगी, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा. ठीक है, अब लैंड है, अब एक लैब में है, उसको हम किस टोपोलॉजी में कर रहे हैं. स्टार होता है ये, या आपके कनेक्टर्स होंगे, नोड्स होंगे, ये स्टार टोपोलॉजी होती है. बस टोपोलॉजी, ठीक है, ये मेन होता है, या कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं ये बस की तरह, ये टोपोलॉजी आप पूरा बना रहे हो. देन रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी में सारे जो रहते हैं आपके, ये नोड्स रहते हैं, ये सर्वर होता है आपका मेन. तो ये टोपोलॉजी का मतलब होता है जो स्ट्रक्चर आप अपने नेटवर्क में सेटअप कर रहे हो, वो तो वो होती है स्टार बस और रिंग टोपोलॉजी. ओके ओके, नाउ वी डिस्कस डिसएडवांटेजेस ऑफ लैंड. लोकल एरिया के अब कुछ एडवांटेज होते हैं, इसी तरह कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं. जब इसको इंस्टॉल करते हैं, रिकॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो हमें इसके लिए हाईली टेक्निकल एंड स्किल स्टाफ की ज़रूरत होती है, मैन पावर की ज़रूरत होती है, है ना, क्योंकि कोई भी नॉर्मल बंदा तो उसको इंस्टॉल नहीं कर पाएगा. इट इज़ रिक्वायर्स हाईली क्वालिफाइड एंड स्किल्ड मैन पावर. सेकेंड वन, ऑपरेशनल स्पीड में भी स्लो डाउन, जो मोस्टली इनसफिशियंट ड्यू टू शेयरिंग ऑफ मैनी रिसोर्सेज. जब हम रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं, बहुत सारा यूज कर रहे हैं, तो ऑपरेशनल स्पीड इसकी स्लो हो सकती है, थोड़ी वैसे भी स्लो होती है. ठीक है, और मैं इसमें क्या होता है कि इसकी जो रेंज होती है
बहुत कम होती है, ठीक है, अप टू 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के एरिया में ही हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं। देन हैकिंग पासवर्ड क्रिएट सिक्योरिटी, जब हम इसमें यूज़ कराएं इनसफिशियंट नॉलेज ऑफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सो हैकिंग पासवर्ड क्रिएट सिक्योरिटी इशू, कोई भी बंदा इसको इजीली हैक कर सकता है, इसका पासवर्ड इजीली हैक कर सकता है। नाउ इम्प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म कॉज कॉन्करेंट यूजेज ऑफ एनिमेशंस, ठीक है, इनका इसका क्या होता है, इम्प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होता है। ओके, वाइड एरिया नेटवर्क, एज अ नेम सजेस्ट दिस नेटवर्क इज यूज एज अ वाइड एरिया, मतलब वाइड ज्योग्राफिकल रेंज ओवर अ सिटी, है ना, ओवर अ, ठीक है, जब हम बड़े एरिया में अपना नेटवर्क यूज करते हैं ओवर अ सिटी, दिस इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। अभी केबल्स के थ्रू तो होगा नहीं, इट इज नॉट अ वायर, इट इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज इन वाइड एरिया नेटवर्क, जहाँ हम यूज करते हैं आपका वायरलेस वाईफाई, रेडियो वेव्स, है ना, इसके थ्रू ही हम यूज कर सकते हैं, सैटेलाइट भी यूज कर सकते हैं। जब वाइड एरिया में होता है तो इसमें जो कम्युनिकेशंस होती है वो बहुत हाईली प्रोफाइल होती है, ठीक है। मेन प्रॉब्लम इसमें क्या आती है, जो आपका एरिया होता है वाइड, तो हम इसमें रिसोर्स शेयर नहीं कर सकते, जैसे लैंड में कर लेते थे, वी कैन यूज रिसोर्सेज इन लैंड बट वी कैन नॉट डू इन वाइड एरिया नेटवर्क, नेटवर्क वी कैन ओनली शेयर अवर फाइल्स, अपने सॉफ्टवेयर को ही हम इसमें शेयर कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इंटरनेट, निकनेट, एसबीआई नेट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। ओके ओके, नाउ वी डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ विंड, इट इज नो लिमिट ऑफ एरिया, सो इट इज वर्ल्ड वाइड, इसमें एरिया की कोई लिमिट नहीं होती, हम किसी भी सिटी में इसमें यूज कर सकते हैं, सो क्या होता है, ये वर्ल्ड वाइड होता है, ये इसका एडवांटेज। ठीक, अब जैसे MNCs होती हैं, इसका हेड ऑफिस दूसरे सिटी में है, इंदौर में है, अब उसके जो कॉर्पोरेट ऑफिस हैं वो सब हैं, जो सब ऑफिस हैं वो भोपाल में हैं, ठीक है, हमको ओवर अ सिटी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वन इज ग्लोबल इंटीग्रेटेड नेटवर्क, ये ग्लोबल इंटीग्रेटेड नेटवर्क है, इसके थ्रू ग्लोबलाइजेशन होता है, हम सारे नेटवर्क को एक साथ कहीं भी एक्स्ट्रा उसको यूज कर सकते हैं। नाउ वेन सपोर्ट्स ग्लोबल मार्केट और बिजनेस, जैसे अभी मैंने बताया था ग्लोबल मार्केट को इंक्रीज करेगा, ठीक है, अगर हम कहीं से कुछ दूसरे सिटी से या दूसरे एरिया से हमें कोई फाइल को शेयर करना है, डॉक्यूमेंट्स शेयर करना है, अपने सॉफ्टवेयर को शेयर करना है, हम तो जस्ट थ्रू आ ईमेल, जस्ट थ्रू आ फैक्सेस के थ्रू हम उसको एक नेटवर्क से अपने दूसरे नेटवर्क में एक कंप्यूटर में उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। देन एक्सेस एंड अपडेट अ सिंगल कंसिस्टेंट व्यू ऑफ डेटा, ठीक है, हम एक ही जगह पे एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सिंगल कंसिस्टेंटीज में यूज की जाती है, हमारे डेटा को हम एक जगह पूरा सही से देख सकते हैं, ये इसका मेन एडवांटेज होता है वेब का।